morning, my shining stars. How are you all? Top of the world. Very good. Students, always do your work with honesty. हर काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए. Because जो भी हम ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है. Okay? तो चलो आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं. Today we will revise lesson number 12, 13 and 14. Lesson 12, social insects. Lesson 13, clean work, dirty work. And lesson 14, games we play. तो चलो बच्चों, इन तीन chapters की हम revision करते हैं one by one. Social insects. Social insects क्या होते हैं बेटा? ऐसे insects जो groups में रहते हैं, मिलकर काम करते हैं. ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंसेक्ट्स आर एंट्स, टर्माइट्स, हनीबीज. तो हम सबसे पहले एंट्स के बारे में समझेंगे. एंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, वर्कर एंट्स, क्वीन एंट्स एंड मेल एंट्स. वर्कर एंट्स का क्या काम होता है बेटा? दे गार्ड द नेस्ट. ये जो इनका घर होता है, जिसको हम एंट हिल कहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. और दे कलेक्ट फूड. जो भी खाना कलेक्ट करते हैं, ये वर्कर एंट्स के द्वारा ही किया जाता है. ओके, एंट ये विंगलेस होते हैं, इनके कोई विंग्स नहीं होते. और बच्चों, जो वर्कर एंट्स होती है, वो क्लीन भी करती है अपने नेस्ट को, अपने घर को. नेक्स्ट इज क्वीन एंट्स. क्वीन एंट्स क्या करती है बेटा? दे ले द एग्स. वो एग्स देने का काम करती है और ये साइज में बहुत बड़ी होती है. ओके, नेक्स्ट इज मेल एंट्स. मेल एंट्स हेल्प द क्वीन एंट्स टू ले द एग्स. मेल एंट्स हेल्प करते हैं क्वीन एंट्स को एग्स दे. ओके, नेक्स्ट सोशल इंसेक्ट इज हनी बीज. हनी बीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, वर्कर बीज, क्वीन बीज एंड मेल बीज. वर्कर बीज क्या करते हैं? दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. जो फूलों से रस लेके आती है, वो वर्कर बीज होती है. और ये भी अपने बीहाइव की रक्षा करती है. दे गार्ड देयर बीहाइव. क्वीन बीज. क्वीन बीज ले द एग्स और ये भी बिग साइज में होती है. मेल बीज. अगेन मेल बीज हेल्प द क्वीन बीज टू ले द एग्स. और मेल बीज को हम ड्रोन भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज क्लीन वर्क एंड डर्टी वर्क. स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी डेली लाइफ में, हमारे वर्क में हमें हेल्प करते हैं. लाइक स्वीपर, मेड, ड्राइवर, कुक, रैग पिकर. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प से हमारी लाइफ स्मूथ चलती है. तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके बच्चे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा काम कर रहे हैं तो हमें उनसे बात नहीं करनी है, उनको विश नहीं करना है. उनको विश भी करना चाहिए और उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहिए. ओके, तो बच्चों प्रॉमिस करो, आप भी अपनी मेड्स को, स्वीपर्स जो भी हैं आपकी कॉलोनी के, या रैग पिकर हैं जो वेस्ट को उठाते हैं, उन सब को आप थैंक यू कहोगे और उनकी रेस्पेक्ट करोगे. ओके, महात्मा गांधी जी नेवर कंसीडर्ड एनी वर्क एज इंफीरियर और सुपीरियर. बेटा, महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ नेशन है हमारे, उन्होंने भी कभी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा. वो छोटे से छोटे काम को भी इंपॉर्टेंट समझते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे. उन्होंने बच्चे टॉयलेट्स तक साफ की और उन्होंने चरखा भी काटा. उन्होंने छोटे लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव किया जैसे वो बड़े से बड़े लोगों के साथ करते थे. और उन्होंने बेटा अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया. अनटचेबल्स कौन लोग होते थे? जिन लोगों को बुरी नजर से देखा जाता था, उनको अलग जगह दी जाती थी रहने के लिए, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जाता था. लाइक स्वीपर्स, गार्डनर्स, इन लोगों की गांधी जी ने रिस्पेक्ट की और इन लोगों का नाम हरिजन दिया. हरिजन मीन्स
children of God. Next chapter we will revise is Games We Play. First of all, we will understand the meaning of outdoor games and indoor games. Outdoor games means, बच्चे ये ऐसे games होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, buildings के बाहर खेले जाते हैं, open ground में खेले जाते हैं. आप school में आते थे तो playground में खेलते थे ना, like football, cricket. Next is individual games. Individual games means जिसमें player अकेले अपने आप को represent करता है, like gymnastics, skating, right? These are the examples of individual games. Okay? Now students, team games में एक player को captain बनाया जाता है. क्या duties होती है captain की? जैसे बेटा for example, class में हम monitor बनाते हैं ना बच्चों, तो वैसे ही मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करता है मॉनिटर. वैसे ही कैप्टन ऑफ द टीम भी टीम को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है प्लेयर्स को अच्छा खेलने के लिए. ओके जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे क्रिकेट टीम में MS धोनी जी का, जो बहुत अच्छे कैप्टन थे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के. उन्होंने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन एरर समझाऊंगी जो आप अपने असेसमेंट्स में करते हैं. आपने बहुत अच्छे से समझना है और फॉलो करना है. मैंने ट्रू फॉल्स का एग्जांपल लिया है. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपने क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है फिर आंसर लिखना है. जैसे ट्रू फॉल्स है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है और फिर सोचना है कि ये सही है या गलत. इफ इट इज करेक्ट स्टेटमेंट देन यू विल राइट ट्रू, एंड इफ इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट देन यू विल राइट फॉल्स. तो चलो समझते हैं वन बाय वन. मेल एंट्स डू नॉट हैव विंग्स. जो मेल एंट्स होते हैं बेटा उनके विंग्स नहीं होते हैं, बट हमने पढ़ा है कि मेल एंट्स के विंग्स होते हैं. तो आप क्वेश्चन नंबर ए डालेंगे, नंबर वन डालेंगे, आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, आपने सीधे आंसर लिखना है. फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखेंगे, ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे. ओके नेक्स्ट, वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु हेल्प अस. हमें हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं. ओके तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट. तो आप क्या करेंगे, नंबर टू डाल के आगे ट्रू लिखेंगे. ओके नंबर थ्री, टीम गेम्स आर नॉट प्लेड इन ग्रुप्स. जो टीम गेम्स होते हैं बेटा वो ग्रुप्स में नहीं खेले जाते, पर टीम गेम्स तो ग्रुप्स में खेले जाते हैं, टीम्स बनती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. नंबर थ्री डाल के हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सीधे हम फॉल्स लिखेंगे. ओके बच्चे, तो इस तरीके से आपने ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करनी है. सो स्टूडेंट्स, आपने जब आंसर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर डालना है और फिर उसके सब पार्ट्स 1, 2, 3 करके आपने ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे. पूरा सेंटेंस नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. बच्चे आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको ऑप्शंस भी दिए हुए होंगे, आपने सही ऑप्शन चूज करके आंसर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, एंट्स बिल्ड देयर नेस्ट्स ऑन द ट्री, अंडरग्राउंड या इन वॉटर. तीन ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है. एंट्स अपना घर यानी अपना एंट हिल या नेस्ट कहाँ बनाती है? ऑन द ट्री, ट्री पर. नो. अंडरग्राउंड, यस, अंडरग्राउंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? आपने सारा क्वेश्चन नहीं लिखना है. यू विल राइट आंसर बी. फर्स्ट पार्ट करेक्ट ऑप्शन इज बी, अंडरग्राउंड. ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.